सुप्रभात बच्चों, अविकारी शब्द को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें कि कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चलता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका पता लगाने के लिए हमने कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए कब लगा के प्रश्न किया था, तो उसी तरह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम लोग को क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है, कहाँ लगा कर प्रश्न किया जाता है। जैसे तीर हिरण के आर पार निकल गया, तीर हिरण के आर पार निकल गया, तो इसमें हमारा प्रश्न होगा कि तीर कहाँ निकल गया, तो आर पार। अब एक बार और हम समझेंगे कि हरियाली चारों ओर फैली है, हरियाली चारों ओर फैली है, इसमें भी कहाँ लगाकर प्रश्न कर रहे हैं और देखते हैं कि आता है कि उत्तर नहीं। तो प्रश्न करेंगे हम कि हरियाली कहाँ फैली है, उत्तर इसी में है कि चारों ओर। तो इस तरह से हमने देखा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए हम लोग क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न कर रहे हैं। क्रिया विशेषण के बाद क्रिया विशेषण के भेद में पहले हमने जाना कालवाचक, अब स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी कुछ शब्द धारण हैं, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आसपास दूर आगे पीछे, ये सारे जो शब्द हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब हम जानेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसको कैसे जानेंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे करेंगे, तो इसमें क्रिया के साथ कितना कितनी प्रश्न लगाकर करेंगे और जो उसका उत्तर आएगा वह हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसता है, इसमें प्रश्न अगर हम लगाएंगे कि छोटा बच्चा कितना हंसता है, उत्तर मिल चुका है पहले ही कि छोटा बच्चा बहुत हंसता है। इसी तरह मोहन थोड़ा ही खा पाया, इसमें भी हम लगाकर कितना कितनी देखेंगे, प्रश्न लगाकर कि इसको अंतर उत्तर मिलता है कि नहीं। तो मोहन कितना खा पाया, उत्तर मिल रहा है कि मोहन थोड़ा ही खा पाया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम कितना और कितनी लगाकर प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर में मिल रहा है और उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी कुछ शब्द उदाहरण हैं, जैसे कम ज़्यादा अधिक जितना खूब, ये सारे शब्द जो हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं, सॉरी क्रिया विशेषण के शब्द हैं। अब हम जाने कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। रीतिवाचक जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की होने की विधि का पता चलता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे हमारा शब्द होगा कि राम धीरे धीरे चल दिया, अब प्रश्न हम कैसे लगाकर करते हैं, तो राम कैसे चल दिया, उत्तर है हमारे पास कि धीरे धीरे। सारे फल हाथों हाथ बिक गए, प्रश्न हम लगाएंगे, प्रश्न करेंगे हम कि फल कैसे बिक गए,
तो हाथों हाथ। तो इस तरह हमने देखा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पता लगाने के लिए हम क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न कर रहे हैं, कैसे लगा करके, इसके भी कुछ शब्द हैं। उदाहरण स्वरूप, झूठ, अवश्य, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि शब्द ऐसे हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। अब क्रिया विशेषण को हमने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, उन भेदों को हम कैसे जानेंगे कि यह कौन सा भेद है, तो उसमें प्रश्न करके हम जान सकेंगे कि ये क्रिया विशेषण के कौन से भेद हैं और हम आगे और ही पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।